यूपी सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात किया। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात में कई बातों पर मंथन किया गया। गठबंधन और विलय दोनों विकल्पों पर 45 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा शिवपाल यादव के समर्थक भी उनके आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव 45 मिनट की मुलाकात करने के बाद चाचा शिवपाल यादव के घर के बाहर निकले और वह अपने आवास चले गए। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अब विलय नहीं होगा बल्कि प्रसपा से उनका गठबंधन होगा। गठबंधन किस तरीके का होगा इसकी अभी तक उन्होंने जानकारी नहीं दी है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट के साथ एक फोटो भी ट्विटर हैंडल पर लगाया है, जिसके बाद अब सियासी समीकरण बदले बदले नजर आने लगे हैं। लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि क्या अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव गठबंधन करेंगे या फिर पार्टी का विलय किया जाएगा। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव के घर पर जाने के बाद जो सियासी हलचल है वह तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के अब पदाधिकारी भी इसको लेकर अलग से मंथन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ऐसी शख्सियत हैं जो किसी को भी मात देने में अकेले सक्षम हैं। यदि अखिलेश यादव का साथ मिला और इसी तरीके की पार्टियां लगातार छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगी तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती हैं। 45 मिनट तक जो मुलाकात हुई उसमें कई बातों पर मंथन हुआ। पहले विलय की बात हुई, फिर गठबंधन की बात हुई। सूत्रों की बातें पर गौर करें तो शिवपाल अपने पार्टी के लोगों के लिए 25 से 40 सीट चाहते हैं। शिवपाल ने समीकरण सहित उन सीटों की जानकारी भी अखिलेश यादव को दी है। दूसरा विकल्प विलय का है, जिस पर बात हुई। विलय की सूरत में शिवपाल यादव को प्रदेश स्तर पर संगठन में या राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर समायोजित करने को लेकर भी मंथन हुआ। लेकिन जो अखिलेश यादव ने अब ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बताया है कि उनका गठबंधन होगा।